आप ऑफिस का काम कर रहे हैं? भाई हमारी तो रात है और ये गोरों की सुबह शुरू हो गई है, तो उठते ही शुरू हो जाते हैं ये सारे। I'm sorry, बस ये हो गया। It's okay. नहीं नहीं बुरा लगता है, बस बड़ा इम्पोर्टेंट था ये थोड़ा सा, इसलिए मुझे कुछ मशीनरीज वगैरह बाय करनी है, तो उसी सिलसिले में। कहाँ है अल्लाह, देर हो गई इसको। अरे अम्मी क्यों चक्कर काटे जा रही हैं? आपको देख देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये किधर चला गया? बानो तुम्हें बता कर गया है कि कहाँ गया है वो? अच्छा देखो तुम मुझे बता दो कि कहाँ गया, कसम से मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे बताया। अरे अम्मी सच बोल रही हूँ, नहीं बताया भाई ने मुझे। अच्छा नहीं बताया था तो पूछ लेती कि कहाँ जा रहा है। अरे पूछा था मैंने, उन्होंने कहा आकर बताऊंगा। तो रोक लेती उसे। अच्छा और मेरे रोकने से वो रुक जाते? मुझे आवाज दे लेती, मैं रोक लेती उसे। मुझे लगता है कि आ गया, उसके सामने बिल्कुल नहीं उसको महसूस होना चाहिए कि हम इंतजार कर रहे हैं, वरना बुरा मानेगा। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ गए थे? वो दोस्त के पास गया था, थोड़ा काम था। अपना ख्याल रखो, डॉक्टर ने कहा है ना आराम करने को। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा मुझे। जाओ आराम। खाना भेजूं? हाँ नहीं भूख नहीं है मुझे। बानो एक काम करो, एक कप चाय लाता हूँ मुझे। जाना भाई चाय मांग रहा है, देकर आओ। अरे जा रही हूँ अम्मी, क्या हो गया है? अच्छा सुनो, इससे पूछना कि कहाँ गया था। सही है मैं पूछती हूँ। पता नहीं कहाँ गया था, जहाँ गया था वहां से आया तो चेहरा उतरा हुआ है। अल्लाह तेरे बच्चे को सबर अता कर, उसके लिए आसानियां बैठा कर। आपकी बीवी तो वाकई बहुत खूबसूरत है। कमाल साहब आपने टाइम लगाया मगर हीरा चुन कर लाए हैं। इनकी बातें बस ऐसी होती हैं। मिलता हूँ, आई 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 सज्जाद साहब। अच्छा तो ये हैं हमारी भाभी। यार वो सब इतना अचानक हुआ कि नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्यों सजाद भाई? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस नालायक ने तो अपनी शादी पे हमें याद रखा नहीं, लेकिन हमने इसको अपने वलीमे पे बुलाया है।
वलीमा फायजा मीट माय वाइफ। कल ही हमने निकाह किया है। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन फायजा। अच्छा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज हमारी इंगेजमेंट है, निकाह तो हम नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम तो हमें शादी पे भूल गए, लेकिन हम तुम्हें अपनी शादी पे याद रखेंगे। हमारी आदत नहीं जाएगी। चलें, अच्छा आ जाओ, चलो। भाई आपकी चाय। हाँ थैंक यू। तो आप बताएं कहाँ गए थे? बताया तो था, दोस्तों के साथ किया था। अच्छा दोस्तों में बैठकर ना कोई इतना परेशान वापस नहीं आता। बताएं क्या परेशानी है? तुम क्या करोगी जानकर? अरे हो सकता है कि कोई अच्छा मशवरा दे दूं, वरना कम से कम मुझसे बात करके आपके दिल का बोझ तो हल्का हो ही सकता है। मैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस गया था। फिर क्या, वहां जब गया तो पता चला कि एक जॉब आई हुई है, लेकिन 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 उन्होंने कहा है कि अगर जॉब चाहिए तो 1,00,000 रुपए जमा करवाने होंगे। 1,00,000? सब बोलो क्या हो गया तुम्हें? अम्मा ने सुन लिया तो खामखा परेशान हो जाएंगी यार। तुम भी सॉरी लेकिन 1,00,000 तो बहुत ज्यादा है। वही तो, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है, अगर पैसे जमा नहीं करवाए तो जॉब हाथ से निकल जाएगी। आप कहें तो अम्मी से बात करूं? कोई जरूरत नहीं उन्हें बताने की, पहले ही उन्होंने इतना कर्जा लिया हुआ है नौशी आपा की शादी के लिए। तो फिर अब क्या करेंगे? देखते हैं, अगर नसीब में हुई तो मिल जाएगी जॉब। ऐसे भी जिंदगी में सभी कुछ थोड़ी मिलता है। मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। वैसे तो तुम सज्जाद के बहुत गहरे दोस्त हो, लेकिन आना तुमने हमारी तरफ से, वरना फायदा से कह के तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगा। मजाक। अच्छा बैठो बैठो, क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है ना?
इतनी इमरजेंसी में क्यों कॉल की है? तुम्हें पता है पापा ने दूसरी शादी कर ली है। इतनी सी बात थी बस? ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? कुछ उठाओगे तुम्हारे सर पे मारूंगी तब तुम्हारी अकड़ ठिकाने आएगी। रिलैक्स रिलैक्स, लोग बैठे हैं यहाँ पे, बताओ। एक एक करके वो मेरी मामा की हर चीज पर कब्जा कर लेंगे, फिर पापा, फिर हमारा घर। और तुम्हें पता है पापा ने मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले ब्रेकफास्ट पर या डिनर पर मिल लेते थे, मगर अब पापा कहते हैं कि बेटा डिनर कर लेना। मामा और पापा के साथ हमेशा डिनर करती थी, मगर अब कैसे कर सकती हूँ? मामा की डेथ के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को संभाल लूं, अकेले रहने की आदत डाल लूं, लेकिन पापा ने उस वक्त मुझे संभाला, उन्होंने ख्याल रखा। मगर जब से उनकी शादी हुई है, मुझे तो लगता है शायद वो भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। मगर तुमने भी तो गलत किया ना, उनका ड्रेस ही जला दिया तुमने। वो मेरा और मेरे पापा का घर है, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरी मामा की किसी भी चीज को हाथ लगाए। अच्छा छोड़ो, छोड़ो सब कुछ, आंसू पोंछो अपने। खाने में कुछ लोगे? ऑर्डर करूं कुछ? मुझे नहीं खाना। अरे थोड़ा सा खा लो ना। बहुत आर्टिफिशियल लगता है ना, डांस पार्टीज, बाहों में बाहें डाल के झूमते लोग, चमकते चेहरे, बुलंद बाला कहे, सब जानते हैं कि जितने हस्बैंड वाइफ है ना, घरों में एक दूसरे से कितना अटैच्ड। लेकिन पार्टी में सबके सामने बाहों में बाहें डाले ऐसे आ जाते हैं जैसे एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। होठों पे मुस्कुराहट होती, लेकिन दिल में यही ख्याल होता कि काश ये जो बाहें अपने पार्टनर के गिर्द लिपटी हैं, इन हाथों में अगर खंजर होता तो वही उसकी पीठ में खोपते थे। सॉरी, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, सब लोग एक जैसे तो नहीं होते। वाकई सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही दूसरों के सामने सच्चा प्यार साबित करने के लिए एक दूसरे की बाहों में बाहें डालने की जरूरत पड़ती है। मोहब्बत उनकी आंखों से ही दिख जाती है। लेकिन पता है, ये सब करना पड़ता है। अगर ये चंद घंटों का रिलीफ ना होना
तो ऐसे सबके सामने दिखावा करने वाले कपल्स खुदकुशी कर लें। या कम से कम एक दूसरे को मार ही दो। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे अंदर मस्नूईपन नहीं है, तुम जैसी अंदर से हो ना वैसी ही बाहर से दिखती। फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा चलो सुबह देखते हैं। ओके गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील। बड़ी तलब हो रही थी भाई इसकी। क्या बात है। सो हाउ वाज द पार्टी? अच्छी थी। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, या बस ऐसी थी? नहीं, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था। इतना डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है, तुम खुल के जवाब दे सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, इवन मैं भी नहीं। आ जाओ। हाय पापा। हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम कहाँ थी भाई? हाँ, कोई इवेंट था क्या? नहीं, कोई इवेंट नहीं था। मैं बस घर पे अकेली थी तो इसलिए ड्राइव पे चली गई। बताया ही नहीं तुमने। सॉरी। आप बताएं, पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। है ना ऐसा? और एक सरप्राइज भी था। कैसा सरप्राइज? ऐसा क्या हुआ? फाइजा और सजात शादी कर रहे हैं। वाओ, दैट इज सरप्राइजिंग। या बट इस आदमी का दिमाग नहीं चल रहा। एक मिनट यार, क्या हो गया? वरना सज्जाद अंकल को भी अपने ड्राइवर की बेटी से शादी करनी पड़ जाती है, राइट? मैं सुबह आऊंगा ना ऑफिस। ओके, हाँ थोड़ा सा। ओके ओके बाय। सो क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, I was just saying आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। Thank you. All right, पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, so good night. Good night बेटा। तुम कहाँ खोए? कहीं नहीं। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या
Leaving. Oh, thank you so much. Bye. Allah Hafiz. का फोन कहीं जमशेद तो नहीं? हेलो, क्या हुआ? गुस्से में क्यों? बानो? हाँ, बानो ही बात कर रही हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, साहब तो घर पे नहीं है? हाँ, चले गए। क्यों? भाई, मैं सोच रही थी कि उनके होते हुए फोन ना करूं, वरना वो क्या सोचेंगे कि हर बार तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हें फोन करते रहते। ऐसी कोई बात नहीं है कमाल, ऐसे नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। तुम बताओ, अब्बा कैसे हैं? हाँ, अब्बा बिल्कुल ठीक है, और मैं उनसे कह के आई हूँ उन्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। वो भाई है ना, उन्हें बाहर जाना है। तुम्हारी शादी के बाद उनके सर पे एक ही धुन सवार है, और अम्मी भी यही चाहती हैं कि वो बाहर चले जाएं। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? अगर जमशेद बाहर जाना चाहता तो मैं क्या करूं? वो असल में भाई को कुछ पैसों की जरूरत है। उन्होंने मुझसे नहीं कहा तुमसे बात करने को, मैं अपनी तरफ से तुमसे बात कर रही हूँ। तुम वो मैं कहना चाह रही थी कि तुम 1 लाख का इंतजाम कर सकती हो। क्या 1 लाख? क्या हो गया, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे इतने काम करती हूँ, तुम्हारे बाबा को 3 वक्त का खाना देकर आती हूँ। उसके पैसे दे दूंगी मैं तुम्हें, लेकिन जमशेद के लिए कुछ नहीं कर सकती। हेलो, What a pleasant surprise! ये चांद कहाँ से निकला है भाई? इधर आओ, मेरी सीट पे बैठो। बहुत ख्वाहिश है मेरी कि तुम आके इस सीट पे बैठो। Come on. नहीं पापा, वो आपकी जगह है। मैं आपको ऑफिस जरूर ज्वाइन करूंगी, लेकिन मेरा ऑफिस डिफरेंट होगा, थोड़ा हट के, यू नो। अरे जैसा ऑफिस चाहोगी वैसा बन जाएगा, आप हुक्म कीजिए बस। अच्छा ये बताओ, क्या खाना है? कुछ भी नहीं, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ, बस मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। हाँ कहो। मुझे कुछ पैसे चाहिए।
तो मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। लेकिन अगर मैं नहीं आती तो मुझे देखकर आपके चेहरे पर जो इतनी खुशी है वो कैसे आती? पॉइंट पॉइंट आई नो। खैर कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। क्या बात कर रही हो, इससे ज्यादा पैसे तो तुम्हारे अकाउंट में पहले से हैं बेटा। हाँ बट मुझे आपके पैसे खर्च करवाने थे। ओके, सो कोई नया फोन पसंद आ गया मेरी बेटी? नहीं कोई फोन नहीं पसंद आया, बट कुछ और करना है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूं। ऑलराइट, नो इशू। और आइजल आई भी है, कोई स्नैक्स वगैरह भी करते हैं, ठीक है? ठीक, जब तक पैसे आते हैं तब तक हम थोड़ी पार्टी करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। अगर उस दिन मैंने निम्रा वगैरह को गिफ्ट ना दिए होते तो 1 लाख रुपए पूरे होते। आ रही हूँ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बानो हैं? जी मैं बानो हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मुझे छोटी मामा आई मीन ऐसा जी ने भेजा है। अरे आइए ना प्लीज, आप अंदर आइए। आपसे बात करने के बाद वो बहुत शर्मिंदा थी, तो उनके पास कुछ पैसे थे, मैं बाहर जा रही थी तो एक काम उन्होंने मुझे दे दिया। पैसे? मगर पूरे 1 लाख। लाख के लीजिए? नहीं पूरे ही होंगे। चले मैं निकलती हूँ। आप चाय वगैरह तो कुछ? नहीं थैंक यू, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगे। मुझे लेट हो रहा है, समझ रहे हो? बाय। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बाय।
हेलो बेटा. हेलो पापा. आई एम वेरी एक्साइटेड. आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? क्योंकि आज छोटी मामा ने मुझे पहली दफा कोई काम कहा और मैंने वो कर दिया. रियली आई एम ग्लैड कि तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है. वैसे आप पूछेंगे नहीं कि उन्होंने मुझे क्या काम कहा था? अरे गलती हो गई मुझसे. बता दो तुम्हारी छोटी मामा ने क्या काम कहा था तुमसे. जमशेद से नहीं मिलूंगी. दरवाजे पर ही बानो से मिलकर वापस आ जाऊंगी. और अगर कमाल ने पैसों के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी? ऐसा तो तुम्हारा कैसे आना? बानो अभी मेरे पास सिर्फ 70,000 रुपए हैं, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी. ऐसा तुमने सारे पैसे भेज तो दिए थे, तो फिर ये क्यों? मैंने पैसे भेज दिए थे. हाँ तुम्हारे वो साहब की बेटी है ना, वो आई थी देने. आइजल? हाँ शायद यही नाम बता रही थी. तुमने उसके हाथ पूरे 1,00,000 भेजे थे ना. मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए फोन करने वाली थी, वो बैलेंस खत्म हो गया. एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? आइजल आई थी और उसने कहा कि मैंने 1,00,000 रुपए भिजवाए. हाँ तो क्या? कौन है बानो? मैं हूँ खाला. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अंदर आओ. नहीं वो मैं दरअसल अब्बा से मिलने के लिए आई थी तो सोचा बानो से भी मिलते हुए जाती हूँ. अब चलती हूँ. अंदर आओ. जी अम्मी. हाँ बैठो. अम्मी वो इरशा जल्दी में है. मैं इसका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी. इसके लिए चाय बना के ला. पर ये चाय पीती नहीं है. आप एक काम करें ना, आप बाजार से इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए. बावर्ची खाने में जो कुछ भी है ले आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. खाला मैं कुछ भी नहीं लूंगी. थैंक यू. देखा खुश हो अपने घर में? जी खाला. लेकिन मेरा जमशेद खुश नहीं. जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, वो खोया खोया सा रहता है. क्या था? अगर तुम उससे शादी कर लेती, ऐसा ही तो सब कुछ नहीं होता. खाला
खाला वो मैं जानती हूँ कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन क्या करूं, मां हूं ना मैं, अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती मैं। तुम्हारी मोहब्बत ने उसको बेबस कर दिया।